नमस्कार, मैं हूं शशि। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं। चाईबासा में 9000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम हेमंत। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में शुक्रवार को प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोल्हान प्रमंडल के 9000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। उपायुक्त अनयन मित्तल ने कहा है कि प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला में मुख्यमंत्री द्वारा नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के प्रभावी होने के उपरांत सिंहभूम प्रमंडल अंतर्गत झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन किया जाना है। बिरसा योजना अंतर्गत विभिन्न कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षित लगभग 9000 प्रशिक्षुओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के विभागीय मंत्री समेत सांसद व विधायक मौजूद रहेंगे। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित प्रमंडलवार नियुक्ति वितरण समारोह की तैयारी की समीक्षा को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार, कोल्हान पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष ने जायजा लिया। रांची के सिल्ली के पिस्का गांव में कुएं से निकाले गए सभी 600। राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर सिल्ली में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। दरअसल सिल्ली प्रखंड के पिस्का गांव में एक कुएं के धंस जाने से 7 लोग मिट्टी और पत्थर के नीचे दब गए थे। इनमें से ग्रामीणों ने रात को ही 2 घायल अवस्था में निकाल लिया था, जिसमें से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब सूचना मिली है कि सभी 6 लोगों का शव निकाल लिया गया है, जबकि एक बछड़े के शव को भी बाहर निकाल लिया गया। हादसे में केवल एक ही जीवित बच पाया है। बताया जा रहा है कि करीब 20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कुएं में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन काफ़ी मकसद भरा रहा। NDRF की टीम रात भर लगी रही। पोकलेन मंगाकर रात भर मिट्टी काटकर मिट्टी में दबे लोगों तक जाने का रास्ता बनाया गया। JSSC PGT परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के उतरवाए गए चप्पल और जूते। JSSC PGT परीक्षा के दौरान महिला अभ्यर्थियों को नंगे पांव रहना पड़ रहा है। चप्पल और जूते उतरवा दिए जा रहे हैं, जबकि इस बारे में पहले से कोई निर्देश भी जारी नहीं किया गया था। बता दें, झारखंड में इन दिनों बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा केंद्र में समुचित व्यवस्था होने का दावा जरूर किया, मगर जिस तरह से परीक्षा केंद्रों पर कदाचार रोकने के नाम पर अभ्यर्थियों के चप्पल खुलवाए गए, वो कहीं ना कहीं विवाद में आ गया है। परीक्षा केंद्रों पर महिला अभ्यर्थियों को चप्पल खुलवाकर परीक्षा हॉल में प्रवेश कराए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। पीएम आवास की तर्ज पर झारखंड में चलेगा अबुआ आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर झारखंड में अबुआ आवास योजना जल्द ही शुरू होने वाली है। नाम के अनुरूप अबुआ संथाली शब्द है, जिसका मतलब होता है हमारा या अपना, और आवास यानी अपना घर। अपनी चुनावी घोषणा के अनुरूप हेमंत सरकार ने इसकी शुरुआत स्वाधीनता दिवस के मौके पर राज्य की जनता को संबोधित करते हुए की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य में चल ही रही है, तो अबुआ आवास योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। बता दें, झारखंड में राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना को लाने के पीछे कई वजहें हैं। राजनीतिक कारणों के साथ साथ प्रशासनिक वजहों से भी हेमंत सरकार इसकी शुरुआत करने जा रही है। झारखंड अबुआ आवास योजना 2023 के तहत राज्य के गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को राज्य सरकार मुफ्त में रहने के लिए 3 कमरों वाला पक्का मकान देगी, जिस पर आगामी 2 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अवैध खनन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने अवैध खनन रोकने के सिलसिले में दिए गए आदेश का आरक्षण अनुपालन नहीं होने पर 3 जिलों के उपायुक्तों और SP के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी है। बता दें, इन जिलों में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला का नाम शामिल है। अदालत ने अवैध खनन के मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिए गए अपने आदेश में ये बातें कही है। साथ ही अवैध खनन रोकने के लिए की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट पेश कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। बाबा धाम देवघर में आज रात तांत्रिक विधि से होगी मनसा पूजा। संक्रांति तिथि पर आज 18 अगस्त को बाबा मंदिर में करीब रात 10 बजे के बाद मां मनसा की वार्षिक पूजा का आयोजन किया जाएगा। पूजा के लिए बाबा मंदिर में तैयारी पूरी कर ली गई है।
यहाँ पर रात के करीब 11 बजे के बाद से मंदिर स्टेट पुरोहित व पुजारी पूजा करेंगे। उपचारक के तौर पर भक्तिनाथ फलहारी संचालन में सहयोग करेंगे। मंदिर में माँ की पूजा तांत्रिक विधि से की जाएगी। इसके अलावा बाबा मंदिर के निकट बैद्यनाथ लेन शिक्षा सभा चौक स्थित मनसा मंदिर सब्जी मंडी सहित दर्जनों जगह पर माँ की पूजा का आयोजन किया जाएगा। बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में 22 देवी देवताओं के मंदिर हैं, इनमें से एक माँ मनसा का भी मंदिर है। बता दें माँ मनसा मंदिर में भक्त पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। विष की देवी के मंदिर में भक्त पूजा करने के लिए घंटों कतार में लगकर माँ की पूजा करते हैं। हाथियों के झुंड ने 7 एकड़ में लगी फसल को पहुंचाया नुकसान। धुरकी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे कन्हर नदी तट के आसपास के गांवों में हाथियों के कारण ग्रामीणों की नींद हराम हो गई है। किसानों को अपनी फसल बचाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। विदित हो कि कन्हर के तटीय इलाके में हाथियों का झुंड करीब 10 दिनों से विचरण कर रहा है। हाथी जंगल के रास्ते में निकलकर आसपास के गांव के किसानों की खेती नष्ट कर दे रहे हैं। बुधवार की रात खुटिया गांव में 4 किसानों के खेतों में लगी फसल को हाथियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और रात में ही कन्हर नदी की ओर जंगल में चले गए। इससे इन किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़का गांव हजारीबाग घाटी में हाईवा और ट्रेलर की टक्कर में 1 की मौत 10 घायल। हजारीबाग जिले के बड़का गांव हजारीबाग रोड स्थित बुढ़ाना मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। मोड़ के पास त्रिवेदी सैनिक लिमिटेड की कोयला ढोने वाली हाईवा और राजस्थान से टाइल्स लेकर आने वाली ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे हाईवा 100 मीटर पीछे एक पहाड़ी से भी टकरा गई। हाईवा का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया जबकि ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण ट्रेलर में बैठे मजदूर तिलेश्वर रजक 40 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दोनों वाहन के चालक और ट्रेलर में बैठी 8 महिलाएं भी घायल हो गए। साहेबगंज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। अवैध खदान का पैसा जाता है सीएम हेमंत सोरेन की तिजोरी में। यह बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को साहेबगंज परिसदन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। 3.5 वर्ष सरकार का हो गया, वैध खदान बंद करा दिया गया। पहले अवैध खदान चलती थी। प्रदेश में बालू व पत्थर का लूट हो रहा है। सरकार को आड़े हाथे लेते हुए बाबूलाल ने कहा है कि झारखंड में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। सरकारी कार्यालय जैसे प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना सहित कई कार्यालयों में अपना काम कराने के लिए गए जनताओं से ऑफिसर काम के बदले पैसे मांगते हैं। जनताओं से ऑफिसर खोलकर बोलते हैं काम कराना है तो पैसा देना होगा। परिवारवाद लोकतंत्र को खराब कर रहा है। सोरेन परिवार पैसों के लिए राजनीतिक करते हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा में ऑफिसर बेच देते हैं गरीबों का अनाज, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए अनाज भेजते हैं लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र के पतना प्रखंड के ऑफिसर गरीबों के अनाज को बेच देते हैं लेकिन सरकार संबंधित ऑफिसर पर कार्रवाई तक नहीं करती। इससे दुर्भाग्य बात क्या होगी, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार को जनताओं की कितनी चिंता है। बता दें बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि साहेबगंज जिले के वीर शहीद सिद्धू कानू की धरती भोगनाडी से 17 अक्टूबर से भाजपा का संकल्प यात्रा प्रारंभ हुआ है। संकल्प यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगा। लोहरदगा में तिरंगा लगे स्कॉर्पियो में 4 गाय ले जा रहे थे पशु तस्कर। लोहरदगा जिले में प्रतिबंधित गोवंशी पशु तस्करी का गोरख धंधा जारी है। तमाम प्रयासों के बावजूद पशु तस्करी में कमी नहीं आ रही है। पशु तस्करी के कारोबार से जुड़े लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पशुओं का अवैध कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। ताज़ा मामला गुरुवार को जिले के सेनहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन में तिरंगा झंडा लगा 4 प्रतिबंधित गोवंशी पशु की तस्करी करते पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा है। 26 अगस्त को गढ़वा में होगी JSCA की वार्षिक बैठक। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की वार्षिक आम सभा 26 अगस्त को गढ़वा में होगी। AGM को लेकर JSCA के सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। गढ़वा के होटल विनस इंटरनेशनल में दोपहर 12 बजे से होने वाली AGM में मुख्य रूप से 7 एजेंटों पर चर्चा होगी।
एजीएम में मई 2022 की एजीएम की मिनट्स को मंजूरी देने, वहीं 2022-23 की रिपोर्ट, 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट, 23-24 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति, 23-24 के लिए एथलीट्स ऑफिसर व आदि नियुक्तियों में कमिटी ऑफ मैनेजमेंट के प्रस्ताव और जेएससीए के कॉलेज 20 के तहत किसी सदस्य द्वारा दिए गए किसी व्यवसाय के उचित नोटिस पर चर्चा के बाद उनकी मंजूरी पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद।